परमात्मा की लीला को कौन समझ सकता है। हमारे जीवन की घटनाएं प्रभु की लीला का ही तो लघु अंश हैं। प्रभु की इस संसार लीला का उद्देश्य है भगवत विमुख जीव को कृपावश सत्संग देकर उसकी सोई हुई चेतना को जगाना, और जो भगवत उन्मुख हैं उन्हें लीला कथा के माध्यम से आनंद प्रदान करना। वास्तव में जिस आनंद की प्राप्ति को जीव लालायित है, जिस आनंद की प्राप्ति के लिए जीव अपना सब कुछ न्यौछावर कर देता है और फिर भी वह तृप्त नहीं होता, ऐसा आनंद प्रत्येक जीव को अपना संबंध परमात्मा से पुनर्स्थापित करने भर से ही मिल जाता है। भारतवर्ष में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हो जाने पर भी यदि हम भगवत शरण ग्रहण ना कर सके, अपने जीवन को भगवत सेवा संत सेवा में अर्पित ना कर सके और भगवत प्रेम प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य ना बना सके, तो हमारा जीवन व्यर्थ ही है। भगवान नारायण जगत के उद्धार के लिए अपनी देवी सहित पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने सामान्य पुरुष की तरह ही सुख दुख का अनुभव किया, लोगों को धर्म का पालन करके दिखाया, अनेक कष्ट झेलकर संसार में धर्म की स्थापना की और फिर अप्रकट हो गए। इस पुण्य कथा को महर्षि वाल्मीकि ने अनुपम मधुर ढंग से गाकर संसार के लिए प्रस्तुत किया है। उन दिनों कौशल प्रदेश के राजा दशरथ थे। वह अपनी राजधानी अयोध्या में वास करते थे। तीनों लोकों में दशरथ का नाम प्रसिद्ध था। महाराज दशरथ को राज्य करते हुए कई वर्ष बीत गए, परंतु उन्हें पुत्र लाभ नहीं हुआ था। गुरुजनों की राय से उन्होंने पुत्र कामेष्ठी और अश्वमेध यज्ञ करवाया। उसी समय स्वर्ग में देवगण एवं ब्रह्मा जी रावण द्वारा किए गए अतिक्रमण और प्रताड़नाओं से भयभीत होकर उसको उचित दंड देने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। तभी भगवान नारायण ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। पृथ्वी पर यज्ञ के फल स्वरूप स्वयं भगवान नारायण महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के रूप में प्रकट हुए। महाराज दशरथ को अपनी तीन रानियों कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी से चार पुत्र राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न एवं भरत प्राप्त हुए। चारों पुत्रों के गुण कार्य कुशलता, प्रीति तथा तेज दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। कुछ वर्ष व्यतीत हो जाने पर महाराज दशरथ ने राम का राज्य अभिषेक करने का मन बनाया। तभी महर्षि विश्वामित्र बिना किसी पूर्व सूचना के राजा दशरथ के दरबार में उपस्थित हुए। गुरुदेव, अब मैं वृद्ध हो चला हूं। मैं चाहता हूं कि पुत्र राम को संपूर्ण राज्यभार देकर निवृत्त हो जाऊं। ये तो अति उत्तम विचार है राजन। राम तो यश, शौर्य, रूप, गुण, तप, ज्ञान से पूर्ण है, जो एक उत्तम राजा के लक्षण होते हैं। गुरुदेव, चारों राजकुमार विवाह के योग्य भी हो गए हैं। महाराज की जय हो। महाराज, महर्षि विश्वामित्र आए हैं। महर्षि विश्वामित्र? ऋषि मुनियों का आगमन सर्वथा हितकारी होता है राजन। अवश्य महर्षि विश्वामित्र आपकी संपूर्ण चिंता को दूर करने के लिए ही यहाँ उपस्थित हो रहे हैं। प्रणिपात गुरुश्रेष्ठ। आयुष्मान भव। प्रणाम ब्रह्म ऋषि।
प्रणाम महर्षि। हे गुरु श्रेष्ठ, अयोध्या के राजभवन में आपकी उपस्थिति से आज हम अनुग्रहित हुए। राजन, महर्षि वशिष्ठ की कृपा तुम्हारे सर पे होने का अर्थ है कि तुम्हारे संपूर्ण कार्य ठीक ढंग से चल रहे हैं। तुम एक प्रजापालक राजा हो, ईश्वर की कृपा तुम पर सदैव बनी रहे। राजन, तुम्हें किसी के भी अनुग्रह की आवश्यकता नहीं है, इस विश्वामित्र की भी नहीं, किंतु तुम्हारे अनुग्रह की आवश्यकता हर किसी को है, इस विश्वामित्र को भी। आप मुझे लज्जित कर रहे हैं ब्रह्म ऋषि, आप हमारे पूज्य हैं। आप केवल आज्ञा दीजिए, आपके मुखारविंद से जो शब्द निकलेगा यह दशरथ प्राण देकर भी उसे पूरा करेगा। सोच लो राजन। इसमें सोचना कैसा ब्रह्म ऋषि, ये रघुवंशी दशरथ का वचन है। राजन, मारीच और सुबाहु नाम के दो राक्षस जो दशानन रावण के गुप्तचर हैं, वो हमारा यज्ञ पूरा नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए उनका वध करने के लिए मुझे आपके ज्येष्ठ पुत्र राम की आवश्यकता है। मुझे राम दे दो राजन। परंतु राम तो अभी बालक है, वो कैसे राक्षसों का विरोध कर सकेगा। तुम्हारा राम तो साक्षात ईश्वर का स्वरूप है, इन राक्षसों का उद्धार करने के लिए ही उसने जन्म लिया है। राम को बुलाओ राजन। नहीं महर्षि, नहीं। यदि यज्ञ की रक्षा का प्रश्न है तो मैं और अयोध्या का पूरा सैन्य बल आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे। जब तक दशरथ के शरीर में प्राण है, राक्षस आपके यज्ञ का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। किंतु मुझसे मेरे राम को मत मांगिए महर्षि। बस करो राजन बस, बड़ी बड़ी बातें करते हो, गर्व से अपने को रघुवंशी कहते हो, किंतु रघुवंशियों का आचरण नहीं करते। जिस रघुवंश के द्वार से याचक कभी खाली नहीं लौटा, आज उसी रघुवंश के द्वार से ये विश्वामित्र खाली लौट रहा है। ऐसा मत कीजिए महर्षि, ऐसा मत कीजिए। हे ईश्वर, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। राजन, चिंता का त्याग कीजिए। ब्रह्म ऋषि राम पर अनुग्रह करके उन्हें महाअस्त्रों का ज्ञान देना चाहते हैं। मारीच और सुबाहु जैसे राक्षसों को मारना तो एकमात्र बहाना है। आप ये समझ लीजिए कि राम उच्च शिक्षा पाने के लिए महर्षि के गुरुकुल जा रहा है। राजन, जैसे शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, वैसे ही राम महर्षि की छत्र छाया में सुरक्षित रहेगा। सोचो मत राजन, अपना वचन पूरा करो, इसी में आपकी और संपूर्ण विश्व की भलाई है। मुझे क्षमा कर दीजिए महर्षि, पुत्र मोह में आकर मुझसे जो अपराध हो गया, कृपा कर उसके लिए क्षमा कर दीजिए। परंतु एक विनती है आपसे। कहो राजन। पुत्र लक्ष्मण कभी राम के बिना नहीं रहा, वे दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। यदि आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण को भी राम के साथ जाने की अनुमति दीजिए। अवश्य राजन, ऐसा प्रतीत होता है ईश्वर की भी यही इच्छा है। सुमंत्र, राम और लक्ष्मण को ले आओ। जो आज्ञा महाराज। राम और लक्ष्मण ने विश्वामित्र जी की आज्ञा अनुसार ताड़का समेत अनेकों राक्षसों का वध कर वनों में तपस्या कर रहे तपस्वियों को शांति प्रदान की। विश्वामित्र राम अवतार के रहस्य को और उन देवी अस्त्रों की शक्ति को तो जानते ही थे, फिर भी राम और लक्ष्मण को जो सफलता मिली उससे वह भूले ना समाए। श्री राम का क्या और सत्कार किया जाए, ऐसा मन में सोचकर वह राम और लक्ष्मण सहित मिथिलापुरी की ओर चल दिए। मिथिला के राजा जनक, जो अपनी प्रजा का पालन बहुत न्यायपूर्वक करते थे, महाराज दशरथ के
पुराने मित्र थे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश करते समय महाराज जनक का ही उदाहरण दिया था। और जब जगत जननी देवी सीता ने स्वयं उनको पिता के रूप में स्वीकार किया तो उनके विषय में कुछ अधिक कहने को रहता ही नहीं। जब देवी सीता विवाह योग्य हो गई तो महाराज जनक को चिंता होने लगी। तब उन्होंने निर्णय किया कि जो कोई राजकुमार भगवान परशुराम द्वारा प्रदान किए गए शिव धनुष को उठाएगा और प्रत्यंचा चढ़ा सकेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। सीता जी को पाने की इच्छा में कई राजा और राजकुमार जनक दरबार में आए किंतु वे शिव धनुष को हिला तक ना सके। मैंने अपनी पुत्री सीता के लिए परम वीर पति चाहा था और इसी प्रयोजन से इस प्रतिज्ञा को आप लोगों के समक्ष रखा था, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि यह पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है। क्या यहां उपस्थित ऐसा कोई भी वीर योद्धा नहीं जो इस पवित्र शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सके? क्या यहां ऐसा कोई भी वीर योद्धा नहीं जो मेरी परम सौभाग्यवती पुत्री सीता को वरण कर सके? यदि मुझे यह पहले से ज्ञात होता कि पृथ्वी के सभी वीर योद्धा नपुंसक हो चुके हैं तो मैं राजजनक महाराज जनक आपका विचलित होना स्वाभाविक है, परंतु इस स्थिति में भी आपको यह नहीं कहना चाहिए कि यह धरती वीरों से शून्य है। कदाचित आप मेरे भैया रघुवंश शिरोमणि श्री राम से परिचित नहीं हैं। वे चाहें तो इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उछाल सकते हैं, सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकते हैं, और आप चिंतित हैं इस पुराने धनुष को लेकर। लक्ष्मण रुको। क्षमा चाहता हूं भैया, पर मैं आपका अपमान सहन नहीं कर सकता। लक्ष्मण शांत हो जाओ, आओ स्थान ग्रहण करें। राम, मैं चाहता हूं तुम शिवजी के इस महान धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर महाराज जनक का शोक दूर करो। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं और मैंने गुरु श्रेष्ठ की आज्ञा से भगवान शिव के इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया। महाराज जनक मुझे क्षमा करें, यह सब कुछ मैंने केवल गुरु आज्ञा और सभी के संतोष के लिए किया है। स्वयंवर का अर्थ है कि कन्या स्वयं अपना वर चुने, अतः देवी सीता को यह पूर्ण अधिकार है कि वो स्वयं अपने पति वरण करें, और हमारा कर्तव्य है कि उन पर हमारा कोई दबाव ना हो। धन्य हो तुम राम और धन्य है तुम्हारा रघुकुल। उठो पुत्री सीता, अपने कर्तव्य का पालन करो और हमारे अधिकार की रक्षा करो।
शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशाङ्गुलम् पुरुष एवेदकुं सर्वम् यद्भूतम् यच्छभव्यम् उदामृतत्वस्येषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा अतो जायाकुश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतम् दिवि त्रिपादूर्वौ दैत्पुरुषः पादोऽस्येहावात्मुनः ततो विश्वम् व्यक्रामत् शासनानशने अभि तस्मात् विराट जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चात् भूमिम् कल्याण हो। प्रणाम भगवान। नमस्तुभ्यं ब्रह्म ऋषि। ये मेरी पुत्री सीता है, प्रणाम करो पुत्री। अखंड सौभाग्यवती भव। राम लक्ष्मण भगवान परशुराम को प्रणाम करो। कीर्तिमान भव, कौन है ये दोनों? ये दोनों मेरे शिष्य महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। प्रभु आप बहुत ही शुभ अवसर पर पधारे हैं। तुम इसे शुभ अवसर कहते हो? सर्वप्रथम ये बताओ, इस शिवजी का ये महान धनुष किसने तोड़ा? भगवान, शिवजी के धनुष को भंग करने वाला आप ही का कोई दास होगा। बताइए क्या आज्ञा है मुझे? तुम मेरा उपहास कर रहे हो राम? यदि तुमने शिव धनुष तोड़ा है, तुमने मुझसे शत्रुता मोल ली है। क्षमा चाहता हूँ भगवान, बचपन में तो हमने ऐसे कई धनुष तोड़ दिए, परंतु आपकी तरह हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया। तुम शिव धनुष को साधारण धनुष समझते हो? धनुर्धारियों के लिए धनुष धनुष होता है भगवान। विश्वामित्र, तुम्हारा ये शिष्य वाचाल ही नहीं कुबुद्धि और कुटिल भी है, ये मेरे क्रोध को निमंत्रित कर रहा है। भगवान मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि धनुष टूट गया तो इसमें राम भैया का कोई दोष नहीं, धनुष पुराना था, हाथ लगाते ही टूट गया। विश्वामित्र, तुम्हारा ये शिष्य अब जीवित रहने योग्य नहीं, ये शिव धनुष का अपमान कर रहा है। गुरु श्रेष्ठ, अगर एक शब्द भी और बोला तो इस परसु से तुम्हारा सट धट से अलग कर दूंगा। विश्वामित्र, ये तुम्हारा शिष्य है इसलिए अभी तक जीवित है। बालक समझकर लक्ष्मण को क्षमा कर दीजिए भगवान। तो इसे समझाइए, बड़ों का किया अपमान बड़ों के लिए मृत्यु के समान होता है, और मैं किसी भी क्षत्रिय से अपमान अथवा मृत्यु स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान आप लक्ष्मण पर क्रोध न कीजिए, क्योंकि आपका अपराधी तो मैं हूँ। आप महान हैं, सूर्य के समान तेजस्वी हैं, भला आपसे हमारी क्या तुलना? कहाँ मस्तक और कहाँ चरण? हम तो गुण ज्ञान तेज तपस्या शौर्य पराक्रम में बहुत पीछे हैं। आप गुरु तुल्य हैं, हम पर क्रोध करना आपका अधिकार है। भगवान आप हमारे आदर्श हैं, हमारे देवता हैं, हमारे ईश्वर हैं। हम आपसे क्रोध नहीं आशीर्वाद चाहते हैं, शाप नहीं वरदान चाहते हैं। राम मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुमने शिव धनुष तोड़ा वो मैंने देखा नहीं, इसलिए मन में जो संदेह उत्पन्न हुआ है उसे मिटाने के लिए मेरा ये विष्णु धनुष लो और इस पर बाण चढ़ाकर मेरा संदेह दूर करो। ये लो राम। बस राम बस, मेरा संदेह दूर हो गया। हे रघुकुल के सूर्य, हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में
आपको बहुत से अनुचित वचन कहे। हे क्षमा के मंदिर, दोनों भाई मुझे क्षमा कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। Thank you.
रघुकुल नंदन श्री राम और जनक नंदिनी सीता जी को एक साथ देखकर अयोध्या की प्रजा को अपार आनंद हुआ। राम और सीता बड़े ही आनंद के साथ रहने लगे। राम को राज्य भार सौंपने का विचार महाराज दशरथ पहले ही कर चुके थे और राम के प्रति लोगों का असाधारण प्रेम देखकर वह बहुत ही आनंदित हुए। महाराज दशरथ को ऐसा अनुभव हो रहा था कि अब उनकी मृत्यु निकट ही है, अतः उन्होंने शीघ्रता से राम का राज्य अभिषेक करने का निर्णय किया। शुभ कार्य में विलंब ना हो इसलिए उन्होंने भरत को भी बुलावाना भेजा, जो कि उस समय अपने ननिहाल कैकेयी देश में थे। परंतु होनी को कौन टाल सकता है, मनुष्य तो मात्र प्रयास भर कर सकता है। होता वही है जो उसके कर्मों के फलस्वरूप पहले से ही रचा जा चुका है। राजघरानों की प्रथा अनुसार रानी कैकेयी की भी एक निजी परिचायिका थी। वह कुबड़ी थी और रानी के दूर के रिश्ते की थी। रानी की आत्मीय मित्र बनकर कुबड़ी मंथरा ने उनका स्नेह अच्छी तरह प्राप्त कर लिया था। उस दिन मंथरा ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके कारण ना केवल मंथरा की बल्कि रानी कैकेयी की छवि को भी मां के परम पवित्र पद से गिराकर धूमिल कर दिया। शास्त्रों में ठीक ही कहा गया है कि कुटिल पुरुष का एक क्षण का संग भी पतन का कारण बन सकता है। तू उदास क्यों है मंथरा? लगता है लक्ष्मण ने तुझे कोई दंड दिया है। अरे कहती क्यों नहीं, मेरे राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। रामचंद्र को छोड़कर आज और कौन कुशल है जिन्हें महाराज दशरथ राजा का पद देने जा रहे हैं? और कौशल्या के तो क्या कहने। क्या कहना चाहती है, साफ साफ कहे। मेरी भोली महारानी, राम का राज्याभिषेक हो रहा है और वो भी भरत की अनुपस्थिति में। आपको तो तोषक पलंग पर पड़े पड़े नींद लेना ही बहुत प्यारा लगता है। राजा की कपट भरी चतुराई नहीं दिखती आपको? बस अब चुप कर, घर फोड़ी कहीं की। फिर ऐसा कहा तो तेरी जीप पकड़ कर निकलवा लूंगी। परंतु इसमें तुम्हारा दोष नहीं। कहते हैं बहरे लंगड़े और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उसमें भी स्त्री और विशेषकर दासी। मुझे तुम पर क्रोध नहीं है, किंतु वे शुभ घड़ी कब आएगी जब राम का राज्य तिलक होगा और तेरी वाणी सत्य होगी। हाँ हाँ, राजा कोई हो, हमारी क्या हानि है? दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी हो जाऊंगी? अरे मंथरा कितनी मूर्ख है तू, मैंने सदा आपका हित चाहा है, आपका अहित मुझसे देखा नहीं जाता। परंतु आपको तो मैं कुटिल और कुचाली ही जान पड़ती हूँ ना। हमारी भूल हुई महारानी, क्षमा करिए। अरे मंथरा तू तो बुरा मान गई। चल बता क्या बात है। सोत कौशल्या तुम्हारी जड़ खाना चाहती है। कौशल्या ने ही बड़ी चतुराई से महाराज को वश में करके राम को राजा बनाने की और भरत को ननिहाल भेज देने का परामर्श दिया है। मंथरा दीदी ऐसा क्यों करेंगी? महाराज का आप पर विशेष प्रेम है और सोत तो सोत होती है,
इसलिए उसने चाल रचकर राजा को अपने वश में करके राम के राज तिलक की घोषणा कर दी, वो भी भरत की अनुपस्थिति में। क्या क्या तुम सत्य कह रही हो? बड़ी भोली हो महारानी, अब भी नहीं समझी? मित्र शत्रु को तो पशु भी पहचान लेते हैं। मैंने आपका अन्न खाया है, यदि मैं झूठ बोलूं तो विधाता मुझे ही दंड दे। हे भामिनी, आपकी स्थिति तो अब दूध में पड़ी मक्खी जैसी है, कभी भी कोई निकाल कर फेंक सकता है। आप अपने पुत्र सहित कौशल्या की सेविका बनकर रहेंगी और हो सकता है भरत को कारागृह में भी रहना पड़े। नहीं, ये नहीं हो सकता। परंतु यही होने वाला है महारानी। मंत्रा, तुम सत्य कह रही हो? मेरी दाहिनी आँख नित्य फड़कती है, रात को बुरे बुरे स्वप्न आते हैं, किंतु अज्ञानवश तुझसे नहीं कहती। भले ही मैं मायके जाकर जीवन व्यतीत कर लूं, पर जीते जी सौत की चाकरी कभी नहीं करूंगी। इससे तो अच्छा होगा मैं मृत्यु को स्वीकार कर लूं। नहीं महारानी, नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, जिससे सबका कल्याण होगा। रानी, आपको याद है आपने मुझे एक कथा कही थी, याद है कि नहीं? कौन सी कथा? देवासुर संग्राम में राजा ने तुम्हें दो वचन दिए थे ना, तुम्हारे वो दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी कर लो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास, और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। परंतु सावधान, जब महाराज राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना, जिससे वचन टलने ना पाए। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा, मेरी बात ध्यान रखना। मंत्रा मंत्रा मंत्रा, लगता है ब्रह्मा जी ने सारी की सारी चतुराई तुझे ही सौंप दी है। मैं तुझे बता नहीं सकती तेरी इस युक्ति ने मुझे कितनी ठंडक पहुंचाई है। मैं तुझे वचन देती हूँ कि नहीं महारानी, वचन ना, वचन ना दीजिए। महारानी, लगता है महाराज आ रहे हैं, तैयार हो जाओ और जैसा कहा है वैसा ही करना। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। प्राण प्रिय, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? हे सुमुखी, हे सुलोचनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो बताओ। किसने तुम्हें कष्ट दिया है? तुम्हारा शत्रु अगर देवता भी हो तो मैं उसे मार सकता हूं। बताओ कल्याणी, क्या चाहती हो? यदि राम की सौगंध खाएंगे तो ही मैं बताऊंगी। मैं 100 बार राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, जो तुम मांगोगी मैं दूंगा। देंगे ना महाराज, जो मैं मांगूंगी। आप मांग मांग तो कहते हैं पर देते लेते कुछ नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, अब उसके मिलने में भी संदेह है। ऐसी बात नहीं है प्रिय, तुमने उन वरों को धरोहर के रूप में रखकर फिर कभी मांगा ही नहीं, और मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी ये प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल की तो सदा यही रीत चली आई है,
कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो सुनिए, हे मेरे प्राण प्रिय, पहले वर में मैं भरत का राज्य अभिषेक मांगती हूँ, और हे नाथ, दूसरे वर में राम का तपस्वी वेश में 14 वर्षों का वनवास मांगती हूँ। ये क्या किया कैकेयी तुमने? किस अवसर पर क्या हो गया? एक स्त्री का विश्वास करके मैंने सर्वनाश कर डाला। हे विधाता, ये कैसा कुचक्र है? क्या भरत आपके पुत्र नहीं है? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ जो मेरा वचन सुनते ही आपको पांड सा लग गया? राम, राम। उत्तर दीजिए महाराज, हाँ कीजिए, नहीं तो तोड़ डालिए रघुकुल की रीत। कैकेयी, तुमने मुझे इस प्रकार कुठार से मारा है जिसे बच पाना असंभव है। हे प्रिय, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरे वचन कैसे कह रही हो? मैं भगवान शंकर को साक्षी मानकर कहता हूँ, मेरे लिए भरत और राम दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों मेरी आंखें हैं। मैं प्रातःकाल होते ही भरत और शत्रुघ्न को बुला लाऊंगा, शुभ दिन देखकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राज्य का लोभ नहीं, परंतु तुम्हारा दूसरा वरदान मेरे हृदय को जला रहा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बताओ। मछली भले ही बिना पानी के जीती रहे, परंतु मेरा जीवन राम के बिना नहीं है कि गई नहीं है। राम, राम, नहीं। आप कुछ भी कर लीजिए महाराज, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। जो मांगा है सो दीजिए, अन्यथा ना देकर अपयश लीजिए। मुझे प्रपंच अच्छा नहीं लगता। सूर्य के उदय होने के साथ ही यदि राम मुनि वेश धारण कर वन को नहीं जाता तो हे राजन, समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। नहीं राम, नहीं। नहीं माता, मैं पिताजी का अपयश कभी होने नहीं दूंगा। मैं अपने प्राण देकर पिताजी के वचनों का पालन करूंगा। नहीं राम, नहीं। माता, मैंने सब कुछ सुन लिया है। पुत्र वही बड़भागी है जो माता पिता के वचनों का पालन करने वाला हो। वन में विशेष रूप से मुनियों के दर्शन होंगे जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण होगा, उसमें भी पिता की आज्ञा। और हे माता, आपकी सम्मति भी तो है, भरत राज्य पावेंगे, इससे बड़ा सुख हो ही नहीं सकता। आज विधाता मेरे अनुकूल है, चारों तरफ से कल्याण ही कल्याण है। यदि ऐसे समय में भी मैं वन को ना जाऊं तो मूर्खों के समाज में मेरी गिनती सबसे पहले करनी चाहिए। पिताश्री, मुझे आज्ञा दीजिए। राम, मेरे राम, मत जाओ राम, तुम वन मत जाओ राम, 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 तुम मत जाओ राम, मत जाओ राम, मत जाओ। इस हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं पिताश्री? राम, राम, रुक जाओ राम, राम। माता, पिताश्री का ध्यान रखिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए।
राम, तुम शीघ्र जाने की तैयारी करो। जितना विलंब करोगे महाराज की पीड़ा उतनी ही बढ़ती जाएगी। मैं माता कौशल्या और सुमित्रा से आज्ञा लेता हूँ। राम राम राम, रुक जाओ राम राम, रुक जाओ राम, मुझे छोड़ के मत जाओ राम, मत जाओ राम। माता कैकेयी की आज्ञा लेकर श्री राम माता कौशल्या के महल पहुंचे। वहां बहुत से ब्राह्मण, स्त्रियां और अतिथिगण इकट्ठे थे। सब ओर आनंद ही आनंद छाया हुआ था। सबको बस अब उसी मंगल घड़ी की प्रतीक्षा थी जब श्री रामचंद्र का राज्य अभिषेक होगा। सभी जन श्री रामचंद्र की मंगल कामना के लिए अनेकों व्रतों का पालन कर रहे थे। सारा महल पुष्पों से इस प्रकार सजाया गया था। मानो स्वर्गलोक का पुष्पवन हो। माता कौशल्या भगवान विष्णु का ध्यान कर रही थीं। किसी को इस बात का अंदेशा ही नहीं था कि जिन श्री रामचंद्र जी की मंगल कामना के लिए अनेकों व्रत और तपों का पालन किया जा रहा है, वह श्री रामचंद्र तो पिता और माता के आदेशानुसार तपस्वी हो चले हैं। किसे पता था कि श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक का सूर्य उदय होने से पहले ही वनवास जैसे ग्रहण में शापित हो जाएगा। ठीक समय पर आया है। मैंने तेरी मंगल कामना के लिए रात भर भगवान विष्णु के 100,000 नाम का जप किया है। आओ राम, बैठो। नहीं माँ, अभी नहीं। जल्दी है, कहीं जाना है क्या? हाँ माँ। कहाँ? वन। वन जाने की अभी क्या आवश्यकता पड़ गई? अभी तो तुम्हारा राज्य तिलक होगा। माँ, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। मैं 14 वर्षों तक वन में ही रहूंगा और भरत अयोध्या का राज्य संभालेगा। ये कैसी मुस्कुराकर हंसी कर रहा है? ये हंसी नहीं, ये अटल सत्य है माँ। मुझे पिताश्री के वचनों का पालन करने के लिए इसी क्षण वन जाना होगा। नहीं 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 नहीं, ये सत्य नहीं हो सकता। राम,
धीरज रखो माँ, धीरज रखो। अयोध्या की महारानी को इस प्रकार धैर्य खोना शोभा नहीं देता। परंतु ऐसा क्यों किया महाराज ने? क्यों? महाराज ने ही तो तुम्हारे राज अभिषेक की घोषणा करवाई थी, फिर एक ही रात में उनका निर्णय क्यों बदल गया? क्यों? मुझसे अधिक कैकेयी की ममता है तुम पर, फिर उसने तुम्हें क्यों नहीं रोका? ये स्वयं माता कैकेयी का ही तो आदेश है। कैकेयी का? हाँ माते, पिताश्री ने माता कैकेयी को देवासुर संग्राम में दो वचन दिए थे, अब उन्होंने वो दोनों वरदान मांग लिए हैं। भरत का राज्याभिषेक होगा और मुझे 14 वर्षों का वनवास। मुझे आज्ञा दीजिए माता, 14 वर्षों के बाद फिर मैं आपकी चरण वंदना करूंगा। तेरे जाने के बाद क्या ये कौशल्या जीवित रह पाएगी राम? नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। परंतु पिता की आज्ञा है माँ। माता का भी तो उतना ही अधिकार होता है, माता की आज्ञा के बिना तू कहीं नहीं जा सकता। माता की आज्ञा भी तो मिल चुकी है, माता कैकेयी की। कैकेयी का उसमें स्वार्थ है, उसकी आज्ञा का क्या मोल? मेरे लिए तो कैकेयी भी वैसी ही माता है जैसी आप, उतना ही मोल है उनकी बातों का। मैं ये सब कुछ सुनना नहीं चाहती, मेरी आज्ञा के बिना तू कहीं नहीं जाएगा। माता होकर माता के वचनों की अवहेलना करने की शिक्षा दे रही हो, अधर्म के पथ पर चलने का पाठ पढ़ा रही हो। रघुकुल की कुलवधू माता कौशल्या सूर्यवंश की परंपरा भूल गई। इसी अयोध्या की संतान राजा सगड़ ने पिता की आज्ञा से पृथ्वी पाताल एक करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। सत्य धर्म तथा दिए गए वचनों की रक्षा के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और पुत्र दोनों को त्याग दिया था। मैं माता और पिता के वचनों के पालन का व्रत ले चुका हूं। उससे विमुख होने का वचन अपने मुख से कैसे निकाल रही हो माता? ठीक है राम, जाओ, जाकर अपने धर्म का पालन करो। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेश मात्र भी दुख नहीं है। पर तुम्हें ज्ञात भी है राम, तुम्हारे जाने के बाद भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। माँ, भरत मेरा भाई है, वह सब कुछ संभाल लेगा। के साथ वन जाने की आज्ञा लेने आई हूँ। सुन रहे हो राम, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है, अब तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है, तुम वन में कैसे रह सकोगी बेटी? सीते, सास ससुर की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, इसीलिए तुम राजमहल में ही रहो। वनवास बहुत कष्टकारक होता है, वन में मनुष्यों को खाने वाले निशाचर घूमते रहते हैं।
पाता। मुझे क्षमा कीजिए माता, मेरे प्राणपति ने मुझे वही शिक्षा दी है जिससे मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया है कि पति के वियोग के समान जगत में और कोई दूसरा दुख नहीं है। हे नाथ, जैसे बिना जीव के देह और बिना जल के नदी है, वैसे ही बिना पति के पत्नी है। आपके साथ वन भी मेरे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। सीते, हट मत करो। यदि आप मुझे वन नहीं ले जाना चाहते तो एक दिन और ठहर जाइए। क्यों? मेरी अर्थी को अग्नि कौन देगा? सीते। हाँ राम, सीता सत्य कह रही है, वह तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकेगी। सीते जाओ, जाने की तैयारी करो। भैया, मुझे सब ज्ञात हो गया है। भैया, मैं भी आपके साथ ही हूँ। लक्ष्मण, लक्ष्मण मेरे भाई। जो लोग माता पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को मस्तक पर धारण कर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। हे भाई, तुम यहां रहकर माता पिता के चरणों की सेवा करो। महाराज वृद्ध हैं और भरत शत्रुघ्न भी यहां नहीं है। इस अवस्था में मैं तुमको अपने साथ वन में ले जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। भैया, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, परंतु मैं इतना कायर हूं कि इसका पालन नहीं कर सकता। शास्त्र और नीति के तो वे ही पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूं। मैं आपको छोड़कर गुरु, माता पिता किसी को नहीं जानता। मेरे तो सब कुछ आप ही हैं भैया। ठीक है लक्ष्मण, जाओ, जाने की तैयारी करो और जाकर माता सुमित्रा से आज्ञा ले लो। यशस्वी भवपुत्र। माँ, मुझे वन जाने से मत रोकिए। यदि राम और जानकी वन जा रहे हैं तो लक्ष्मण का यहाँ क्या काम? तुम्हारे लिए तो जहाँ राम है वहीं अयोध्या है पुत्र। यह कहकर आपने मेरा शीश गर्व से ऊंचा कर दिया है माँ। पुत्र लक्ष्मण, तुम बड़े सौभाग्यशाली हो जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। जाओ लक्ष्मण, जाओ, सीताराम की इतनी सेवा करना कि वे पिता, माता, प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों को भूल जाएं। जो आज्ञा माता। चलो लक्ष्मण। जिस उद्देश्य से प्रभु रामचंद्र ने मनुष्य जन्म धारण किया, उस उद्देश्य की पृष्ठभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो चुकी थी। विश्रवा कुल के ग्रहण और राक्षसों के अधिपति रावण ने संपूर्ण विश्व में ही नहीं, तीनों लोकों में हाहाकार मचा रखा था। अनेकों तपस्याओं को पूर्ण करके रावण ने ढेरों शक्तियां अर्जित कर ली थी,
ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त होने के बाद उसे ज्ञात हुआ महादेव की परम उत्कृष्ट स्थिति के बारे में, और उसने निश्चय किया परम शिव भक्त बनने का। इसी उद्देश्य से उसने अपनी पूर्ण श्रद्धा शिवजी को प्रसन्न करने में लगा। चिकं सर्व वाङ्मयम् आहार्यं चन्द्र तारादीतं नमः सात्विकं शिवं शिवं शिवम् शिवम् तं नमः। तक जिमे तक झुण्डो तक जिमे तक झुण्डो तक जिमे तक झुण्डो तक दिंग गिना तुम तक जिमे तक झुण्डो तक जिमे तक झुण्डो तक जिमे तक झुण्डो तक दिंग गिना तुम 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 तक दिंग गिना तुम तक दिंग गिना तुम। ओ शंभो शिव शंभो स्वयं भो भो 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 शंभो शिव शंभो स्वयं भो। गंगाधर शंकर करुणाकर मम भव सागर तारक गंगाधर शंकर करुणाकर मम भव सागर तारक भो शंभो शिव शंभो स्वयं भो। निर्गुण परब्रह्म स्वरूप निर्गुण परब्रह्म स्वरूप गम गम भूत प्रपंच रहित गम गम भूत
ಪ್ರಪಂಚ ರಹಿತ ನಿಜ ಗುಣ ವಿಹಿತ ನಿತಾಂತ ಅನಂತ ನಿಜ ಗುಣ ವಿಹಿತ ನಿತಾಂತ ಅನಂತ ಆನಂದ ಅತಿಶಯ ಅಕ್ಷಯ ಲಿಂಗ ಆನಂದ ಅತಿಶಯ ಅಕ್ಷಯ ಲಿಂಗ ಆನಂದ ಅತಿಶಯ ಅಕ್ಷಯ ಲಿಂಗ ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಗಂಗಾಧರ ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಮವ ಭಾವ ಸಾಗರ ತರತೆ ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ದಿಮಿತ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೊಂ ತೊಂ ತಟಿ ಕಿಟ ತಟಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತೊಂ ದಿಮಿತ ದಿಮಿತ ದಿಮಿ ದಿಮಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತಕ ತೊಂ ತೊಂ ತಟಿ ಕಿಟ ತಟಿ ಕಿಟ ಕಿಟ ತೊಂ ಮತಂಗ ಮುನಿವರ ವಂದಿತ ಈಶ ಸರ್ವ ದಿಗಂಬರ ವೇಷಿತ ವೇಷ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ನರ್ತ ನಟೇಶ ಮತಂಗ ಮುನಿವರ ವಂದಿತ ಈಶ ಸರ್ವ ದಿಗಂಬರ ವೇಷಿತ ವೇಷ ನಿತ್ಯ ನಿರಂಜನ ನರ್ತ ನಟೇಶ ಈಶ ಸಭೇಶ ಸ್ವೇಶ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ ಗಂಗಾಧರ ಶಂಕರ ಕರುಣಾಕರ ಮಾಮವ ಭಾವ ಸಾಗರ ತಾರಕ ಭೋ ಶಂಭೋ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಸ್ವಯಂಭೋ 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 ಸ್ವಯಂಭೋ ಮಹಾರುದ್ರಾಯ ಕಲ್ಪಾಂತರುದ್ರಾಯ ವೀರರುದ್ರಾಯ
बहुत समय पहले की बात है, जब राजा दशरथ का विवाह भी नहीं हुआ था। एक बार भयंकर जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए दशरथ जंगल गए। रात्रि हो चुकी थी। राजा इस आशा से कि भयंकर जानवर रात के समय नदी के तट पर पानी पीने आएंगे, वह एकदम सजग होकर बैठे थे। तभी नदी के पास से पानी पीने की ध्वनि सुनकर उन्होंने बाण छोड़ दिया और वह बाण एक ऋषि कुमार को जा लगा, जिसका नाम श्रवण कुमार था, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भरने आया था। उस ऋषि कुमार ने वहीं प्राण त्याग दिए। इतना भारी पाप कर्म करने के बाद दशरथ का तो मानो रक्त ही सूख गया था। बहुत कठिनाई के साथ उन्होंने साहस जुटाकर उस ऋषि कुमार के अंधे माता पिता को यह संदेश सुनाया। उन्हें अपनी भूल का पछतावा था और इसी कारण दशरथ ने उनसे कहा कि मेरी भूल क्षमा योग्य नहीं है, इसलिए आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें शाप दिया कि जिस तरह हम पुत्र विरह में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तू भी एक दिन हमारी तरह पुत्र शोक में तड़प तड़प कर मर जाएगा। और ऐसा कहकर वह अपने पुत्र की चिता में जलकर भस्म हो गए। पुत्र राम, लक्ष्मण और बहू सीता के विरह में राजा दशरथ ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए। महाराज दशरथ की मृत्यु का संदेश भरत को पहुंचाया गया। रानी कैकेयी, महाराज भरत की जय हो, महाराज भरत की जय हो। आज आप एक शब्द भी नहीं बोलेंगी। भरत, मेरे पुत्र। मत कहिए मुझे अपना पुत्र, और ना ही आप मेरी माँ हैं। मैं जानती हूँ पुत्र, मैं जानती हूँ तुम व्यथित हो। तुम यहाँ नहीं थे और इतना कुछ घटित हो गया। मैं यहाँ बिल्कुल अकेली थी पुत्र, मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई, मैं आपके समक्ष हूँ। और देखिए देखिए, मुझसे मेरा संसार छीनकर आपने मुझे कितना प्रसन्न किया है, देखिए। पुत्र, मैंने सब कुछ तुम्हारे हित में किया है। किसी का अहित करके अपना हित करना, यह पाप नहीं है, क्या आप नहीं जानती थी? और यदि आपके हृदय में मेरा हित सर्वोपरि होता, तो आप कभी ये ना करती। आप ऐसा अधर्म कभी ना करती। आप उन्हें दुख कभी ना पहुंचाती जिनके लिए मैं अपने प्राण तक दे सकता हूँ। आपके कारण पिताजी ने प्राण त्याग दिए। आपके कारण भैया राम, भाभी सीता, लक्ष्मण को वन जाना पड़ा। वे दोनों माताएं वे टूट गई होंगी। और इन सब के दुख का कारण मैं हूं। आज आपने मुझे अनाथ बना दिया। आप
माता, आपके कारण भरत अनाथ हो गया। माता, आपके कारण भैया राम, लक्ष्मण, पिताश्री। मैंने केवल अपना अधिकार मांगा था। क्या अपना अधिकार मांगना अधर्म है, पाप है? महाराज ने मुझे दो वरदान दिए थे, मैंने केवल दो वरदान ही मांगे थे, तो क्या अनर्थ कर डाला मैंने? पिताजी ने वो वचन आपको इस विश्वास के साथ दिए थे कि आप उस वचन का दुरुपयोग नहीं करेंगी। उन्हें ज्ञात नहीं था कि यहाँ पर आप उनके वचनों को अपने स्वार्थ पूर्ति का शस्त्र बना देंगी। स्वार्थ? हाँ महारानी, स्वार्थ, जिसकी पूर्ति आप मुझे ढाल बनाकर करना चाहती थी। ये युद्ध आपके वर्चस्व का, आपके अहंकार का था, मेरा हित नहीं। और आज आपने इस युद्ध में सबको पराजित कर दिया, मुझे भी। नहीं भरत, नहीं, मुझे पता नहीं मेरे बारे में तुम्हें किसने क्या कहा, परंतु ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया। अगर आपने मेरे हित के लिए सब कुछ किया होता तो जन्म देते ही मेरा गला घोट देती। यही होता मेरा सच्चा हित। नहीं भरत, नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ ऐसा कभी नहीं कर सकती। जिन राम भैया को आप मुझसे भी अधिक स्नेह करती थी, और आज उन्हीं को आपने इतनी पीड़ा दे दी, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? मुझ जैसा भागा कोई नहीं होगा जिसके कारण उसके पिता की मृत्यु हो गई, भैया राम को वनवास जाना पड़ा। यदि मैं चाहता तो अभी इसी क्षण अपने प्राण त्याग देता, पर क्या करूं, आपने ये अवसर भी छीन लिया। आपने ऐसा पाप किया है जिसका पश्चाताप अब मुझे करना होगा। पूत कपूत होता है ये सुना था, किंतु माता कुमाता हो सकती है इसका साक्षी मैं हूं। आज मैं इस कुमाता का परित्याग करता हूं। आज से मेरा और आपका कोई संबंध नहीं। मेरे इस निर्णय से मेरा प्रायश्चित प्रारंभ होता है, और मैंने ये निर्णय किया है कि जब तक मैं भैया राम को अयोध्या का राजा ना बना दूं, चैन से नहीं बैठूंगा। मैं जा रहा हूं अपने भैया भाभी को वापस लाने, जा रहा हूं। अपनी माँ कैकेयी द्वारा रचे गए इस षड्यंत्र को जानकर भरत का हृदय व्याकुल हो उठा था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस अयोध्या के राजा परम प्रतापी दशरथ हो, बड़ा भाई स्वयं श्री रामचंद्र जैसा हो, वहां इस प्रकार के षड्यंत्र कैसे जन्म ले सकते हैं। भरत ने निर्णय लिया कि श्री रामचंद्र को सम्मान सहित वापस लाएंगे और उनका राज्य अभिषेक करवाएंगे। भरत का यह भाव जानकर अयोध्या वासियों में एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। जैसे जैसे भरत श्री रामचंद्र जी की ओर बढ़ते, वन में भिन्न भिन्न लोगों से मिलते, तो उनका दुख और भी बढ़ता जाता। इतना ही नहीं, जो भी उनसे मिलता पहले उन पर शंका करता कि कहीं वह श्री राम का कुछ अहित करने तो नहीं आ रहे। यह ध्वनि कैसी है? प्रतीत होता है कोई सेना आ रही है। यह ध्वज पताका तो अयोध्या की है, परंतु अयोध्या से सेना लेकर कौन आ रहा है?
कहीं भरत भैया सेना सहित राम भैया का कुछ अनिष्ट करने तो नहीं आ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भरत भैया तो, परंतु यदि यह सच हुआ तो लक्ष्मण अयोध्या नरेश सहित संपूर्ण सेना का विनाश कर देगा। लक्ष्मण, ये किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं तुम्हारे हृदय में? भरत मेरा उतना ही हितैषी है जितने तुम हो। भैया, भैया! भरत, भरत मेरे भाई, भरत! राम भैया, भैया! भरत, भैया, भैया! नहीं नहीं भैया, मैं आपका भाई होने के योग्य नहीं। जिस पापी की वजह से आपकी यह दशा हो गई, वो आपका भाई नहीं हो सकता। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए, भाभी मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सबको इस वेश में देखने से पूर्व मेरी मृत्यु भी हो जाती तो अच्छा होता। देवर जी, आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? प्रणिपात भरत भैया। नहीं लक्ष्मण, नहीं। जिस पापी के कारण तुम्हारे भैया भाभी की यह दशा हुई है, उसे प्रणाम मत करो। नहीं भैया, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरे मन में आपके लिए दोष आ गया था। मैं दोषी हूँ लक्ष्मण, मैं दोषी हूँ। मैंने ऐसी कुलघातनी माँ के कोख से जन्म लिया। भरत, माँ के प्रति अपशब्द, वो भी तुम्हारे मुख से? मेरे सभी दोष क्षमा कर दीजिए भैया। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने आया हूँ। धीरज रखो भरत। भरत, तुम अयोध्या छोड़कर वन में क्यों आ गए? पिताश्री, माता, सब ठीक है ना? क्या हुआ भरत, तुम चुप क्यों हो? सब ठीक है ना? पिताश्री। हाँ हाँ पिताश्री, कैसे हैं? सब कुशल से तो है ना? पिताश्री हमें छोड़कर परलोक सिधार गए। नहीं, पिताश्री। 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 प्रणिपात गुरुदेव, मैं पिताश्री को आपके चरणों में छोड़कर आया था। कहाँ चले गए वो? हम सब नदी में बहते हुए काठ के टुकड़े की तरह जन्म जन्मांतर तक इस संसार की धारा में बहते हुए एक दूसरे से मिलते हैं, बिछुड़ते हैं, फिर मिलते रहते हैं। इस सृष्टि में हम सब मिलते ही हैं बिछुड़ने के लिए। किंतु जो मनुष्य ज्ञानी होते हैं, विवेकशील होते हैं, वो इसका शोक नहीं करते। यह समय शोक करने का नहीं, बल्कि कर्तव्य करने का है। राम, भरत तुम्हारा भक्त है। वह अयोध्या का राज्य तुम्हें देने के लिए ही यहाँ आया है। हाँ भैया, आपके राज्याभिषेक की सारी सामग्री मैं यहाँ लाया हूँ। और यदि
यदि मैं आपका सच्चा सेवक हूँ तो आप अयोध्या का राज्य स्वीकार करेंगे। मेरी विनती स्वीकार कीजिए भैया, स्वीकार कीजिए। तुम भ्रातृ प्रेम की पराकाष्ठा हो भरत, तुम्हारे प्रेम के समक्ष मैं हार गया भरत। जो राज्य तुम मुझे देने आए हो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, परंतु पिताश्री का वचन भी छूटा ना हो इसीलिए मेरी तुमसे एक प्रार्थना है कि 14 वर्षों तक मेरे स्थान पर तुम ही अयोध्या का राज्यभार संभालो। परंतु भैया, मैं तो अबोध बालक हूं, मुझसे राज्य पर शासन नहीं किया जाएगा। गुरुदेव, आर्य सुमंत्र और अन्य मंत्रीगण तुम्हारी सहायता करेंगे। गुरुदेव की आज्ञा से सारे कार्य करोगे तो कठिनाई नहीं होगी, सारे कार्य सुगमता से ही होते रहेंगे। और 14 वर्षों के बाद मैं अपना राज्य तुमसे ले लूंगा। बड़े निर्मोही हो भैया, प्रेम का कोई मोल नहीं आका। प्रेम किया है तो बिन मोल बिक जाओ। अच्छा तो बिक जाता हूं, कदाचित 14 वर्षों का विरह ही मेरे पापों का प्रायश्चित कर दे। परंतु याद रखना भैया, 14 वर्षों के बाद आपने आने में एक दिन की भी देरी की तो इन चरणों की सौगंध आप अपने भरत की चिता जलती हुई देखेंगे। नहीं भरत, नहीं भाई, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मेरे आने में एक दिन की भी देरी नहीं होगी। भैया कुछ मांगू तो दोगे? पगले, तू मेरे प्राण मांग ले तो मैं इसी क्षण दे दूंगा। बोल, तुझे क्या चाहिए? मुझे अपनी चरण पादुका दे दो। चरण पादुका? हाँ भैया, आपका राज्य तो आपके सेवक के पास एक धरोहर के रूप में होगा। जब आप नहीं होगे तो सिंहासन पर कौन बैठेगा? मैं आपकी पादुकाओं को आपका राज्य चिन्ह बनाकर सिंहासन पर रख दूंगा और नित्य प्रति उसका आशीर्वाद ले आपका राज्य कार्य संभालूंगा। लक्ष्मण, महात्मा भरत, तुम धन्य हो। भैया एक बार अपने चरण इन पर रख दीजिए भैया। चित्रकूट से खाली हाथ ही अयोध्या को लौट गए। 14 वर्षों के लिए एक सेवक की भांति
एक तपस्वी का जीवन व्यतीत करने लगे। इधर श्री राम, लक्ष्मण और जानकी भी चित्रकूट छोड़कर आगे बढ़े और दंडकारण्य वन पहुंच गए। अलग अलग स्थानों पर रहते हुए उन्होंने 10 वर्ष व्यतीत किए। उसके उपरांत वे तीनों वहां से पंचवटी की ओर गए। इतने समय की अवधि में लक्ष्मण ने राम और जानकी की इतनी सेवा की कि उन्हें कभी पिता और माता के अभाव का पता ही ना चला। एक प्रातःकाल जब श्री राम इतिहास और पुराणों की बातों को स्मरण कर रहे थे, तब एकाएक राक्षस कुल की एक स्त्री, रावण की बहन शूर्पनखा वहां आ पहुंची। इतना तेज तो आज तक मैंने किसी भी पुरुष में नहीं देखा। हो न हो, ये अवश्य ही कोई महान तपस्वी है, परंतु न जाने क्यों इनका रूप, इनका सौंदर्य मुझे इनकी ओर आकर्षित कर रहा है। प्रतीत होता है शूर्पनखा, आज तेरी खोज समाप्त हुई। इस संसार में आज तक कोई भी ऐसा पुरुष नहीं मिला जो तेरे योग्य हो, पर अब लगता है तुझे और अधिक दिन कुंवारी नहीं रहना पड़ेगा। हे सुंदर पुरुष, तनिक मुझे बताएं कि आप कौन हैं और एक सन्यासी की भांति वस्त्र पहने हुए वन में क्या कर रहे हैं? राक्षसों के क्षेत्र में आप किस प्रयोजन से आए हैं और ये स्त्री कौन है? मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है और सीता मेरी धर्मपत्नी है। पिता के वचनों का पालन करने के लिए मैं वन में रहता हूँ, परंतु तुम कौन हो देवी और किस प्रयोजन से यहाँ आई हो? मैं जगत सुंदरी परम मोहिनी शूर्पनखा हूँ, तथा मैं रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, खर एवं दूषण की बहन हूँ। मैं इसी वन में रहती हूँ। मेरे भाई अत्यंत शक्तिशाली हैं, किंतु मैं उनसे भी बढ़कर हूँ। मैं अपने मन की बात आपको बताना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो देवी शूर्पनखा? आपके प्रति प्रेम के कारण मेरा मन व्याकुल है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे पति बन जाएं। आप अपनी इस कुरूप तथा विकृत स्वरूप वाली पत्नी का त्याग कर दें, क्योंकि वह आपके समान महान वीर के योग्य कदापि नहीं। मैं शक्तिशालिनी हूँ और इच्छानुरूप कहीं भी भ्रमण कर सकती हूँ। अतः मैं आपकी जीवन संगिनी बनने के सर्वथा योग्य हूँ। मैं तो विवाहित हूँ और तुम्हारे जैसी सुंदर और युवा कन्या निश्चित ही सौतन के संग रहना स्वीकार नहीं करेगी। मेरा भाई लक्ष्मण मुझसे भी अधिक पराक्रमी है और पत्नी के साथ भी नहीं है। अतः मेरा परामर्श मानो तो तुम उससे ही विवाह कर लो। हे सुंदर पुरुष, आप वास्तव में अपने भाई से भी अधिक सुंदर एवं शक्तिशाली हैं, अतः
मेरे साथ विवाह करने के लिए आप अधिक योग्य हैं। मैं लंकापति रावण की बहन हूँ। वीर पुरुष, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि शूर्पनखा ने तुम्हें अपना वर चुना है। अरे अरे, क्रोध से क्यों देख रहे हो? मुझ जैसी परम सुंदरी क्रोध की नहीं, प्रेम के योग्य है। क्षमा कीजिए, परंतु मैं अपने लिए कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपने भैया राम और सीता भाभी की सेवा में हूँ, और यदि इतने पर भी तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो तो तुम्हें भी मेरी तरह सेविका बनकर रहना पड़ेगा। क्या तैयार हैं आप? मूर्ख पुरुष, मैं और सेविका, मती मारी गई है तेरी। मैं तो वास्तविकता बता रहा हूँ, सीता भाभी और राम। सीता, सीता, सीता! ये सीता ही है जो मेरे विवाह में बाधा बन रही है। यदि मैं इस सीता का किसी क्षण भक्षण कर लूं, तो तुम दोनों मेरे हो सकते हो। सीता, आज तेरा अंतिम दिन है। मैं इस राक्षसनी से इस प्रकार विनोद नहीं करना चाहिए लक्ष्मण, जिससे सीता विपत्ति में आ जाए। अब इसे इस प्रकार कुरूप करो जिससे इसे उचित शिक्षा मिले। ठहर जा, यदि सीता भाभी को तूने छुआ भी तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने के लिए शूर्पनखा अपने सगे संबंधियों के पास पहुंची। उसने उन्हें ललकार कर राम और लक्ष्मण पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। जब सब राक्षस मारे गए, तब जन स्थान पहुंचकर उसने अपने भाई खर को सारा वृतांत सुनाया। तब एक विशाल सेना के साथ खर और दूषण ने राम और लक्ष्मण पर आक्रमण कर दिया। बहुत घमासान युद्ध के उपरांत श्री राम ने राक्षसों सहित खर और दूषण दोनों का वध कर दिया। श्री राम के पराक्रम से भयभीत होकर कुछ राक्षस वहां से भाग निकले। उनमें से एक था अकंपन, जो सीधा लंका में रावण के पास पहुंचा।
सब कुछ नष्ट हो गया महाराज, सब कुछ नष्ट हो गया। लंकापति रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अकंपन, क्या हुआ? स्पष्ट कहो, क्या विपत्ति आ गई? हे मेरे प्रभु, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा, किंतु कृपा कर वचन दीजिए कि आप सत्य कहने पर मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। निडर होकर कहो। तो सुनिए महाराज, मेरी बहन का मान, कालदूषण का वध, नहीं नहीं, मैं अभी जाकर राम और लक्ष्मण का वध कर दूंगा। नहीं महाराज नहीं, कृपया राम की शक्ति को कम जानकर उतावलेपन में कोई कार्य ना करें। उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को विनष्ट कर पुनर्निर्माण करने की योग्यता है। अतः प्रभु बलपूर्वक उस पर आक्रमण करने का विचार छोड़ दें। अकंपन, क्या बक रहे हो? क्या तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं? एक मनुष्य को मारने के लिए लंकापति का जाना उचित नहीं, इससे तो अपयश होगा। परंतु एक अन्य उपाय है मेरे पास। कैसा उपाय? महाराज, राम की पत्नी सीता का सौंदर्य अपूर्व है। वास्तव में वह स्त्री सौंदर्य की पराकाष्ठा है। मुझे लगता है कि सीता के बिना राम का जीवित रहना कठिन हो जाएगा। अतः मेरा परामर्श है कि आप सीता का अपहरण कर लें। तुम्हारा परामर्श उत्तम है कंपन, अति उत्तम। और इस कार्य को करने में मेरी सहायता करेंगे मेरे मामा मारी, मामा मारीच, प्रकट हो मामा मारीच। लंकेश रावण की जय हो। हे लंकेश, अकस्मात मेरे आवाहन का क्या कारण है? अवश्य ही कोई विशेष कार्य होगा। आप ठीक कह रहे हैं, राम नाम के एक मनुष्य ने जनस्थल भेजी गई, राक्षसों की मेरी पूरी सेना को समाप्त कर दिया। राम के भाई लक्ष्मण ने मेरी बहन सूर्पनखा को कुरूप बना दिया, और मेरे भाई खर और दूषण, जिन्हें मैं अजय समझता था, राम के हाथों मारे गए। मारीच, मुझे आपकी सहायता चाहिए, क्योंकि मैंने राम की पत्नी सीता का अपहरण करने की योजना बनाई है। जिसने भी आपको ये परामर्श दिया है वह मित्र के रूप में आपका परम शत्रु है। हे रावण, यदि आप इस मूर्खतापूर्ण योजना को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे तो इसमें आपका विनाश ही होगा, क्योंकि राम का पराक्रम स्वयं भगवान विष्णु के समान अकल्पनीय है। हे राक्षसों के राजा, उचित यही होगा कि आप अपने क्रोध को नियंत्रण में करें और अपनी पत्नियों के साथ आनंद लें। राम और उनकी पत्नी को दंडकारण्य वन में रहने दे, अन्यथा आप स्वयं विपदा को आमंत्रित करेंगे। ज्येष्ठ, क्या आप इंद्रिय तृप्ति में इतने लीन हो गए हैं कि आपको आसन्न संकट का आभास भी नहीं हो रहा है? क्या आपको गुप्तचरों ने सूचित नहीं किया कि राम ने अकेले ही आपके दोनों भाइयों सहित सहस्त्रों राक्षसों का वध कर दिया है? आप एक अक्षम राजा हो, और मैं कह देती हूँ कि अब आप अधिक समय तक इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। शूर्पनखा, मैं अक्षम नहीं, मैं रावण हूँ, रावण लोक विजेता, रावण। मैं भी
यही सुनना चाहती थी ज्येष्ठ। आप त्रिलोक विजेता है, सर्व समर्थ है। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ राम के कहने पर मेरी नाक काट दी। लाप ना करो मेरी बहन, मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। मैंने सीता के अपहरण का निश्चय कर लिया है। वाह, क्या सुंदर योजना बनाई है आपने ज्येष्ठ। हे लंकेश, कोई अन्य स्त्री सीता जैसी सुंदर नहीं है। उसे देखते ही आप प्रेम में पागल हो जाओगे, क्योंकि वही आपकी पत्नी बनने योग्य है। मैं आपके लिए उसे पकड़ कर लाने के प्रयोजन से गई थी, किंतु प्रतिकार स्वरूप लक्ष्मण ने मुझे कुरूप बना दिया भैया। बस झूठ न खा, बस। अब सीता हरण का मेरा निश्चय अटल है, और इस कार्य में मेरी सहायता करेंगे मेरे प्रिय मामा मरीच। क्या मामा मरीच? करेंगे ना सहायता। राजन, यदि आपने इस कामुक योजना को कार्यान्वित किया तो लंका सहित सभी राक्षसों का निश्चित रूप से विनाश हो जाएगा। राम के पराक्रम का अनुमान न होने के कारण आप मूर्खतावश विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। मरीच! राजन, अपने एवं आपके कल्याण के लिए मैं आपको परामर्श देता हूँ कि आप सीता के अपहरण का विचार त्याग दें। किसी पाप का दंड उतना नहीं होता जितना कि प्राय स्त्री के अपहरण का। अपनी सहस्त्रों पत्नियों के संग संतुष्ट रहें एवं अपनी प्रतिष्ठा, भाग्य, राज्य एवं जीवन को यथावत रखें। बस, अब तुम सुनो मामा मरीच। मैंने आपको परामर्श देने के लिए नहीं बुलाया। मैंने जो सोचा है उसे क्रियान्वित करो। अगर आपने इस कार्य में मेरी सहायता नहीं की तो अभी मैं आपका वध कर दूंगा। अब चुनाव आपको करना है। मेरे हाथों निश्चित मृत्यु को स्वीकारो, अथवा राम के हाथों संभावित मृत्यु को स्वीकारो। स्वयं निर्णय करो मामा मरीच। चापलूसी करने वाले सुलभ हैं राजन, किंतु दूसरों के कल्याण के लिए सत्य वचन बोलने वाले दुर्लभ हैं। मंत्री को ना पूछे जाने पर भी उचित परामर्श देना चाहिए, विशेषकर जब राजा पथ भ्रमित हो रहा हो। किंतु वह व्यक्ति जिसकी मृत्यु निकट हो अच्छा परामर्श देना नहीं चाहता। हे राजन, यदि आप इस योजना का पालन करते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम दोनों की मृत्यु ही होगी। तथापि यह आपके हाथों मरने से अच्छा है कि मैं युद्ध भूमि में एक श्रेष्ठ शत्रु के हाथों ही मरूं। मरीच के बहुत समझाने पर रावण कुछ देर के लिए शांत अवश्य हो गया था, परंतु शूर्पनखा ने रावण की राक्षसी वृत्ति को पुनः जगा दिया था। रावण ने मरीच को एक सुंदर स्वर्ण मृग का वेश बनाकर सीता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का आदेश दिया। स्वर्ण काया वाले मृग को पाने की इच्छा से सीता राम को उसे पकड़ने के लिए अवश्य ही भेजेंगी, और जब राम बहुत दूर जा चुका होगा तब मरीच राम की ध्वनि में हे सीते, हे लक्ष्मण ऐसा पुकारेंगे। भाई की पुकार सुनकर लक्ष्मण भी सहायता के लिए आएगा, तो रावण सीता का हरण कर लेगा।
और हुआ भी कुछ ऐसा ही। ठीक इसी प्रकार सीता ने स्वर्ण मृग देखकर राम को उसे पकड़ने के लिए आग्रह किया। राम और लक्ष्मण को इस बात का आभास था कि यह कोई मायावी मृग होगा, परंतु सीता के हट करने पर राम मृग को पकड़ने के लिए चले गए और लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। लक्ष्मण भैया, क्या आपने अपने भैया की पुकार सुनी? प्रतीत होता है कुछ अशुभ घटित हुआ है। जाइए लक्ष्मण भैया, शीघ्र जाइए, आपके भैया किसी प्रकार के संकट में हैं। पुकार मैंने भी सुनी है भाभी, परंतु यह पुकार भैया की नहीं हो सकती। वे इस प्रकार दीनवानी में कभी नहीं पुकारेंगे। वे श्री राम हैं और कोई भी लोकवासी उन्हें जीत नहीं सकता। नहीं नहीं, हो ना हो, आपके भ्राता अवश्य किसी संकट में हैं। मुझे अंदेशा है कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। आपको शीघ्र ही अपने भैया की सहायता के लिए जाना चाहिए। भाभी, आप मेरे भैया को जानती नहीं, उनके धनुष की एक डंकार सहस्त्र सिंहों पर भी भारी पड़ेगी। देवर जी उठिए, आपको आपके भ्राता की सौगंध है, यदि अपने को उनका सेवक मानते हैं तो अभी जाइए, उनकी रक्षा कीजिए। ठीक है भाभी, अगर आपकी यही हट है तो आज पहली बार लक्ष्मण आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन करेगा। हे वन के देवी देवताओं, कृपया कर मेरी भाभी की रक्षा कीजिएगा। मैं अपनी भाभी को आपके संरक्षण में छोड़ के जा रहा हूँ। अब इनकी रक्षा का दायित्व आप सबका है। हे ईश्वर, मेरे पति की रक्षा कीजिए। यदि मैंने सच्ची श्रद्धा और विश्वास से आपकी भक्ति की हो तो उन पे आने वाला संकट टल जाए। हे जगत पालक, हम पे कृपा करें। वाह, कितना सुंदर ललाट। वाह, तुम्हारी सुंदरता का वर्णन जो मेरी बहन शूर्पनखा ने किया था, उससे कहीं अधिक सुंदर हो तुम। वाह, कौन हो तुम? मैं मैं त्रिलोक विजेता लंकापति रावण हूँ, जिसकी आज्ञा से सूर्य चंद्र आदि ग्रह चलायमान हो, जिसके सामने ब्रह्मा और विष्णु भी शस्त्र उठाने का साहस ना करे, वही रावण हूँ मैं। किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? तुम्हें पाने के लिए सीते, केवल तुम्हें पाने के लिए। ये त्रिलोक विजेता तुम्हारे सामने नतमस्तक है। मैं तुम्हें अब इस वन के घास फूस की कुटिया में नहीं रहने दूंगा। अब तुम सोने की लंका के राजभवन में रहोगी, रावण की पटरानी बनकर। बस, अब एक शब्द भी अपने मुख से निकाला तो अच्छा नहीं होगा। चले जाओ यहाँ से, अन्यथा मेरे पति अपने एक बार से तुम्हें और तुम्हारी लंका दोनों को भस्म कर देंगे। चाहेंगे सुंदरी, अवश्य जाएंगे, परंतु तुम्हें अपने साथ लेकर। मुझे छूने का प्रयत्न भी किया तो यही भस्म हो जाओगे। रावण, 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 रघुवीर, 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 मेरी रक्षा कीजिए। हे रघुवीर, हे सौमित्र, मेरी रक्षा कीजिए। अब तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। रघुवीर, रघुवीर, मेरी रक्षा कीजिए। हे रघुवीर,
सीते, सीते, भाभी, सीते, भाभी, सीते, भाभी, सीते, भाभी, सीते। जिसका भय था वही हुआ लक्ष्मण, सीता नहीं है यहां। अवश्य ही ये कोई सोची समझी चाल थी, पता नहीं सीता किस हाल में होगी। सीते, प्राणों से प्रिय वह देही को पंचवटी में ना पाकर राम दुख के मारे टूटे जा रहे थे। वे बार बार उस घड़ी को याद कर रहे थे जब वह माया रूपी मारीच के जाल में फंसकर उसे पकड़ने के लिए गए थे। लक्ष्मण भी अपने आप को कोस रहे थे कि ना वह सीता भाभी को अकेला छोड़कर गए होते और ना सीता हरण होता। दोनों भाइयों ने जंगल में कोई जगह शेष न छोड़ी पर कहीं सीता का पता ना लगा। बार बार वह वन के देवी देवताओं को पुकारते, कभी गोदावरी नदी को तो कभी पंचभूतों को, और कहते कि किसी को तो अवश्य ही ज्ञात होगा कि सीता कहाँ है, किस दशा में है। वन में जो जो संकेत उनको मिलते वे उनके अनुमान पर आगे बढ़ते जाते। दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए वे माता शबरी के आश्रम पहुंचे और वर्षों से राम दर्शन की अभिलाषा से बैठी हुई माता शबरी को धन्य किया। माता शबरी ने उन्हें पंपा नदी की ओर प्रस्थान करने को कहा और कहा कि वानरराज सुग्रीव जो अपने बड़े भाई से पीड़ित होकर ऋषिमुख पर्वत पर रहते हैं उनकी भार्या सीता का पता लगाने में उनकी सहायता करेंगे। पंपा नदी के पास पहुंचकर श्री राम की भेंट अपने परम भक्त हनुमान से। राम, 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 सीते, भाभी, भाभी, सीते, सीते। ये ध्वनि प्रभु, मेरे प्रभु की ध्वनि, प्रभु श्री राम, मेरे प्रभु श्री राम की ध्वनि, प्रभु, प्रभु श्री राम, मेरे प्रभु, प्रभु श्री राम, प्रभु, प्रभु श्री राम, प्रणिपात प्रभु, मैं आपका सेवक। हनुमान तुम? हाँ प्रभु। मैं यहाँ आप ही की प्रेरणा से सुग्रीव की सेवा में रहता हूँ। महाराज सुग्रीव बहुत दुखी हैं। महाराज का सारा राजपाट, यहाँ तक कि उनकी स्त्री का भी हरण कर अली किष्किंधा का राजा बना बैठा है। उसने महाराज को बलपूर्वक राज्य से निकाल दिया है प्रभु। अपने प्राणों की रक्षा के लिए वे अपने मंत्रीगणों के साथ इसी स्थान पर रहते हैं। मैं महाराज सुग्रीव से मिलने आया हूँ। जितनी आवश्यकता आपको महाराज सुग्रीव की है उतनी ही आवश्यकता महाराज सुग्रीव को आपकी है। आइए प्रभु। प्रभु ये है महाराज सुग्रीव। महाराज सुग्रीव ये है अयोध्या के राजा प्रभु रामचंद्र और उनके अनुज लक्ष्मण जी। प्रभु, प्रभु, इस श्रीहीन राज्यहीन के निवास स्थान पर आपका स्वागत है प्रभु। महाराज सुग्रीव अब आप अपने आप को श्रीहीन मत समझिए, क्योंकि जहाँ पर प्रभु श्री राम है
वही श्री है। महाराज सुग्रीव, माता शबरी ने बताया था कि आप मेरी पत्नी सीता को ढूंढने में मित्र बनकर मेरी सहायता करेंगे। क्यों नहीं प्रभु, आपने महाराज सुग्रीव को मित्र कहकर इनका गौरव बढ़ा दिया है। प्रभु, आप दोनों अग्नि को साक्षी मानकर एक दूसरे के मित्र हो जाइए, क्योंकि आप दोनों का दुख एक है। मैं दशरथी राम अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं मित्र, मैं आपका हित चाहूंगा, हित करूंगा। आपका शत्रु मेरा शत्रु होगा। मैं आपकी खोई हुई राजश्री और श्री अवश्य लौटाऊंगा। ये इस राम की प्रतिज्ञा है। तो मैं भी अग्नि को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूँ मित्र, कि मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करके अपना मित्र धर्म निभाऊंगा। माता जानकी की खोज के लिए पूरी वानर सेना आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा मित्र। महाराज सुग्रीव की जय, महाराज सुग्रीव की जय, महाराज सुग्रीव की जय। पाली सुग्रीव का बड़ा भाई था और किष्किंधापुरी में राज करता था। बहुत ही पराक्रमी था। छोटे भाई सुग्रीव पर उसका प्रेम था। सुग्रीव भी उसके चरणों का भक्त था। एक दिन मायावी नामक असुर किष्किंधा में घुस आया। उसने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। मायावी का पीछा करते हुए बाली एक गुफा में जा पहुंचा और सुग्रीव को बाहर ही रुकने को कहा। कुछ दिन बाद गुफा से असुरों की पुकार आई और गुफा के द्वार से रक्त की धारा बहने लगी। सुग्रीव को भय हुआ। उसे लगा मायावी ने अन्य असुरों के साथ मिलकर बाली का वध कर दिया। तब उसने गुफा को एक बड़े पत्थर से ढक दिया। वापस आने पर वह एक सेवक की तरह रहने लगा। नगरवासियों और मंत्रीगणों के बहुत आग्रह करने पर एवं न्याय व्यवस्था ठीक से चलाने हेतु वह राजगद्दी पर बैठ गया। गुफा से बाहर निकलकर बाली ने सुग्रीव को खोजा तो वह कहीं ना मिला। फिर वो राजमहल गया। सुग्रीव को राजा बना बैठ देखकर बहुत क्रोधित हुआ और सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया और चेतावनी दी कि यदि वे दोबारा वहां दिखा तो वह उसके प्राण निकाल लेगा। तू फिर मुझसे मार खाने आ गया निर्लज्ज, क्या सोचकर आया था कि आज तू मुझे परास्त कर देगा? सुग्रीव, आज मैं तुझे भागने नहीं दूंगा। तेरी मृत्यु तुझे यहां खींच कर लाई है। मैं बातें करने नहीं आया भैया, युद्ध करने आया हूं। आज तेरा मरना निश्चित है सुग्रीव, सावधान। ये, 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 Yeah!
छल किया तूने सुग्रीव, छल किया। बाली भैया, मत कहो मुझे भैया, मत कहो। दिखावे का युद्ध करके किसी और के हाथों मरवा दिया सुग्रीव। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। धिक्कार है, धिक्कार है तुम पर। तुम कौन हो? राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। ये बाण तुमने चलाया है मर्यादा पुरुषोत्तम राम? ये किस मर्यादा का पालन किया तुमने? तुम अधर्मी हो बाली, तुमने कभी धर्म का पालन नहीं किया। अपने छोटे भाई की रक्षा करना, उसका पालन करना एक बड़े भाई का धर्म होता है, और तुमने तो अपने छोटे भाई को उसकी नगरी से निकाल दिया। यही नहीं, तुम उसके प्राणों के शत्रु बन गए। तुम तो हर युद्ध अधर्म से लड़ते हो। तुम्हें वरदान प्राप्त है कि तुम जिससे युद्ध करोगे उसका आधा बल तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। ये कहां का धर्म है? इस वर का त्याग करके यदि तुम महाराज सुग्रीव से लड़ते तो वह धर्म युद्ध होता। तुम अधर्मी हो बाली, इसीलिए तुमने अधर्मी रावण से मित्रता की। तुम दोनों की बुरी आदतें समान हैं। दोनों दूसरे की पत्नी का हरण करते हो। बलवान जो करता है वही धर्म है, यही तुम दोनों की विचारधारा है ना? तुम कहते हो मैंने तुम पर छिपकर वार किया, तो सुनो, किसी पशु पर छिपकर वार करना अधर्म नहीं है वानर राज। जब हम शिकार करते हैं तब छिपकर पीछा करते हैं और छिपकर ही वार करते हैं। परंतु मैं पशु नहीं हूं राम। तुम नर पशु हो, तुम्हारा व्यवहार पशु समान है बाली। अपने छोटे भाई की पत्नी पर जो अत्याचार करता है वो पशु ही है। वो दो ही संबंध को जानता है, नर और नारी। तुम जैसे अधर्मी अत्याचारी अनाचारी शत्रु का दमन शत्रुता ना करते हुए भी करना चाहिए। मैंने समाज को यह संकेत दिया है कि तुम और रावण जैसे नर पशु समाज द्रोही होते हैं, इसीलिए उनका विनाश परम आवश्यक होता है। हे दिव्य पुरुषोत्तम राम, अंततः मेरे चक्षु खुल गए। मैंने आपको पहचान लिया है प्रभु। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा अंतिम समय निकट है प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं भैया नहीं, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते भैया। भैया भैया नहीं। हे राम, मैं अपने पुत्र अंगद को आपकी शरण में छोड़कर जा रहा हूँ, इसका ध्यान रखिए। इसका ध्यान रखिएगा भैया। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए भैया। भैया मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सभी शोक का त्याग करें, बाली की मृत्यु नहीं हुई है, वो सदैव जीवित है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। लक्ष्मण, बाली के शरीर का अंतिम संस्कार किया जाए ताकि उसे सद्गति प्राप्त हो। सुग्रीव को किष्किंधा का राजा नियुक्त करने के उपरांत बड़ी ही शीघ्रता के साथ सीता जी को ढूंढने का कार्य प्रारंभ किया गया। सुग्रीव की सेना में अनेक बलशाली और बुद्धिमान वानर थे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर तीनों दिशाओं में बहुत दूर तक खोजने पर भी उन्हें वैदेही का कोई पता नहीं चला। जब वह दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचे तो वहां भी उन्हें
निराशा ही हाथ लगी। तब वहां जटायु के भाई संपाति मिले, जिसके पंख सूर्य ताप द्वारा जल गए थे, परंतु अब भी संपाति के देखने की शक्ति वैसी ही थी। सैकड़ों कोस दूर लंका में देखकर उन्होंने वानरों को सारा वृतांत सुना दिया। अब निश्चित हो गया था कि जानकी रावण की लंका में ही थी, किंतु वहां जाना किसी के लिए भी संभव ना था। सब वानरों ने मिलकर हनुमान जी से प्रार्थना की और उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराया। नम्र स्वभाव होने के कारण अब तक हनुमान जी को अपनी शक्ति का पता ना था, परंतु जामवंत के बताने से वह अब अपनी शक्ति को पूरी तरह पहचान गए थे। बड़े उत्साह के साथ हनुमान लंका पहुंचकर सीता जी की खोज में जुट गए। बहुत कठिनाई के बाद उन्हें अशोक वाटिका का पता चला। उन्होंने बैठी हुई एक स्त्री को देखा। उनके कांति युक्त मुख पर शोक की रेखाएं थी। उनकी कांति से आंखें चकाचौंध हो रही थी। शरीर पर पीला वस्त्र था, काले लंबे केश खुले हुए थे। आभूषणों और अलंकारों के बिना शोकमग्न सीता जी बादलों में ढके हुए चंद्रमा की भांति वहां बैठी थी। तभी वहां रावण आ पहुंचा और प्रेम की याचना करने लगा। मुझे समझ नहीं आता सीधे, मुझे देख तुम सहम हो जाती हो, जैसे सिंह को सामने खड़ा मेरे भयभीत हो जाता है। मैं तुम्हारे लिए सिंह नहीं, तुम्हारे प्रेम का उपासक हूं। मुझ पर कृपा कब करोगी देवी? मेरी सारी रानियां सेविकाएं बनकर तुम्हारी सेवा करेंगी। तीनों लोगों का सुख तुम्हारी वहां प्रतीक्षा कर रहा है। दुष्ट, मेरा परम सुख मुझे श्री राघव की अर्धांगिनी होने से मिला है। श्री राघव की धर्म पत्नी और सुख। वो वनवासी तुम्हें क्या सुनेगा? एक बार मेरी ओर देखो सीते, मैं तुमसे प्रेम करने लगा हूँ। मेरे प्रेम को स्वीकार कर मेरा आलिंगन करो सीते। तुम्हारा आलिंगन? तुम्हारा आलिंगन तो रघुनंदन के नोकीले बाढ़ करेंगे और तुम्हारी भुजाओं को काट कर फेंक देंगे। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अपना मन मुझ पर से हटा लो, अन्यथा तुम्हारे पाप की आग में तुम लंका सहित जलकर भस्म हो जाओगे, पूरे राक्षस कुल का विनाशक कहलाओगे। बस, अब एक शब्द भी मत बोलना। मैं बस तुमसे मीठी मीठी बातें कर रहा हूँ और उसे तुम मेरी कायरता समझ रही हो। तुम कायर हो रावण? तुम जानते थे कि श्री राम से युद्ध में तुम कभी जीत नहीं सकते, इसीलिए जिस तरह एक लोमड़ी शेर के सामने जाने से डरती है, उसी तरह उनके रहते हुए तुम हमारी कुटिया में पाँव भी ना रख सके। अंकश और अपमान सहन नहीं कर सकता। इससे पहले कि ये चंद्रहास खड़क तुम्हारी गर्दन काट दे, तुम स्वयं मेरी शरण में आ जाओ। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ। सीता! महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? तीनों लोगों के स्वामी एक असहाय अबला स्त्री पर शस्त्र उठाएंगे? नहीं महाराज, ये आपको शोभा नहीं देता। एक स्त्री की हत्या अधर्म है। परंतु इसने, जो भी हो, आवेश में आकर इनके मुख से आपके लिए कुछ अपशब्द निकल गए होंगे, किंतु आपका गौरव इसी में है कि आप इन्हें क्षमा कर दें।
महारानी मंदोदरी। सीता, यदि तुमने मुझे अपना पति स्वीकार नहीं किया, मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मैं पवन पुत्र हनुमान हूं, श्री राम का सेवक। प्रणिपात मैया, आपके मन की शंका दूर करने के लिए ही प्रभु श्री राम ने यह मुद्रिका मुझे दी थी। वत्स हनुमान, रघुवीर कैसे हैं? क्या वो मुझे याद करते हैं? हाँ मैया, प्रभु आप ही को दिन रात याद करते रहते हैं। आप धीरज रखिए मैया, प्रभु शीघ्र ही यहाँ आकर आपको मुक्त कर ले जाएंगे। धीरज रखूं? कैसे धीरज रखूं हनुमान, कैसे धीरज रखूं? तुम नहीं जानते हनुमान कि मैं यहाँ कैसे समय व्यतीत कर रही हूँ। मैंने सब देखा और सुना माता, एक पतिव्रता स्त्री का तेज कैसे त्रिलोक विजयी रावण के तेज को निस्तेज कर देता है। चित हो जाइए मैया, प्रभु श्री राम शीघ्र ही आएंगे। माता, प्रभु के लिए कोई संदेश? वत्स, स्वामी से कहना कि इस दुखियारी की पीड़ा का अंत करें और इस महापापी रावण को उसके पापों का दंड दे। पुत्र, शीघ्रता करो, ये दुष्ट राक्षस तुम्हें क्षति पहुंचाएंगे। मेरी चिंता छोड़िए माता, इन कीड़े मकोड़ों को तो मैं यूं ही मसल के रख दूंगा। अपना ध्यान रखना पुत्र। जय श्री राम, जय श्री राम। Thank you.
इंद्रजीत द्वारा ब्रह्मास्त्र से हनुमान को बांधकर रावण के समक्ष लाया गया। हनुमान को यह बात ज्ञात थी कि ब्रह्मा के वरदान के अनुसार ब्रह्मास्त्र भी उन्हें केवल एक मुहूर्त के लिए ही बंदी बनाकर रख सकता है, तो इसलिए ब्रह्मास्त्र का आदर करते हुए हनुमान उनसे आतंकित ना हुए। जो राक्षस पहले डर के मारे कूद रहे थे, अब हनुमान को मोटी मोटी रस्सियों से बांधकर अपमानित करते रहे और हनुमान जानबूझकर उनका अपमान सहन करते रहे। परंतु अवसर पाकर पूरी लंका को अपनी पूंछ में लगाई गई आग में जलाकर खाक कर दिया और रावण को चेतावनी देकर लौट गए कि अभी भी समय है, अपना अहंकार त्याग कर प्रभु श्री राम की शरण ग्रहण कर ले और जानकी जी को सम्मान सहित लौटा दे, अन्यथा जिस प्रकार बाली का वध हुआ उसका भी अंत निश्चित ही है। हनुमान के पराक्रम ने रावण को पहली बार कुछ लज्जित कर दिया था। उसके मन में कुछ आतंक का अनुभव होने लगा था। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रणा की। एक वानर हम सभी का अपमान कर गया, जानकी का पता लगाकर पूरी लंका को ध्वस्त कर गया। हे मंत्रीगण, आप सभी मंत्रणा के कार्यों में पंडित हैं, जो कर्तव्य श्रेष्ठ हो उससे कहिए, यदि एक वानर में जब इतना सामर्थ्य है तो अवश्य राम अपनी सेना सहित सागर लांग सकता है। इसलिए इस युद्ध की स्थिति में जो उचित मत हो आप सब एक मत होकर कहिए। पिताश्री, शत्रु के पराक्रम की चर्चा करना निर्बलों का धर्म है। आप तो लंकेश हैं, तीनों लोकों के स्वामी होकर व्यर्थ की बात क्यों करते हैं? वह आते हैं तो आने दीजिए पिताश्री। माता निकुम्भला की सौगंध सबको धूल चटाना दिया तो मेघनाथ मेरा नाम नहीं। आप चिंतित ना हो पिताश्री, यह राम बल वीर्य गुण में हमारे ज्येष्ठ भ्राता मेघनाथ के अंश मात्र भी नहीं है। अकेले भ्राता मेघनाथ उनकी सेना का विनाश कर देंगे। क्षमा कीजिए लंकेश, परंतु मेरा मत कुछ भिन्न है। नीति के अनुसार जो कार्य साम दाम और भेद से संभव ना हो उसे दंड से सिद्ध करना चाहिए। अतः असावधान एवं आलसी शत्रुओं को विधिवत दंड से ही वश में करना चाहिए। परंतु हम लोग श्री रामचंद्र पर किस प्रकार शासन कर पाएंगे? वे तो प्रमाद विहीन है, सावधान क्रोधजय और अजय हैं। किसे ज्ञात था कि वह वानर समुद्र लांग कर इतना दुष्कर कार्य कर जाएगा? अतः शत्रुओं के साहस की अवहेलना करना उचित नहीं है। उन रामचंद्र ने आपका ऐसा क्या अपकार किया जो आप उनकी भार्या को जनस्थान से उठा लाए? खरदूषण को तो उन्होंने अपनी रक्षा में मारा और शूर्पणखा वे स्वयं विवाहित राम जी पर मोहित हुई। बदले की भावना से किया गया यह दुष्कर्म परिणाम में क्लेश ही उत्पन्न करता है। मेरे विचार से यह समय अपनी भूल सुधारने का है और युद्ध के संकट को टालने का है, जिसका केवल एक ही उपाय है और वो ये है महाराज कि हमें देवी सीता को आदर सहित उनके पति के पास पहुंचा देना चाहिए। विभीषण, यदि तुम मेरे भाई न होते तो इसी क्षण में तुम्हें मृत्यु दंड देता। महाराज, बलवान को किसी का भय नहीं होता। आप सर्व समर्थ हैं, शक्तिशाली हैं। आपने जो राम की स्त्री का हरण किया वह आपके योग्य ही है। फिर भी यदि युद्ध होता है तो हम राक्षस युद्ध से डरते हैं क्या? यह तो हमारे लिए खेल ही है। जब आपने तीनों लोगों को जीत ही लिया है तो यह तुच्छ मनुष्य कर ही क्या सकते हैं? पुत्र प्रहस्त,
शांत हो जाओ। इस सभा में उपस्थित कोई भी उन श्री रामचंद्र जी का साम आपकी आज्ञा अनुसार मैं आज ही लंका छोड़कर चला जाऊंगा। भगवान आपको सद्बुद्धि दे। और गुणशाली धर्मयुक्त श्री राम जी का निंदा करते हो। विभीषण, शत्रु को श्री कहकर मत पुकारो। क्षमा कीजिए लंकेश, परंतु मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि यदि जानकी को सम्मान सहित लौटा दिया जाए तो कदाचित श्री राम हमें क्षमा कर देंगे और एक भयंकर युद्ध टल जाएगा। विभीषण, काकाश्री, यदि युद्ध से भय लग रहा है तो हाथ में चूड़ियां पहनकर बैठ जाइए। पुलत से वंश में केवल आप ही तेजहीन, बलहीन और शत्रु से भयभीत पुरुष जन्म में है। यदि इतना ही भय लगता है युद्ध से तो किसी ऋषि का चोला पहनकर किसी आश्रम में धुनी क्यों नहीं रमाते? यहाँ लंका में किस लालच से रह रहे हैं काकाश्री? बड़ों से इस प्रकार बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता मेघनाथ। मैं इस कुल के कल्याण के लिए हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया देवी सीता को लौटाकर प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लीजिए। तू रचा कुल कलंक है, तुम्हारे लिए लंका में कोई स्थान नहीं। मुझ पर हंसने वालों, मैं सबके सिर पर मंडराती हुई मृत्यु देख रहा हूँ। शास्त्रों में लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। हे लंकापति, आपने भरी सभा में मेरा अपमान करके मानो मुझे मृत्यु दंड दे दिया, अर्थात मैं आपके लिए जीवित नहीं, मेरा आपका कोई संबंध नहीं। उधर सुग्रीव की सेना में हनुमान के वापस ना आने से एक निराशा थी, पर उन्हें विश्वास था कि हनुमान का कोई भी अनिष्ट नहीं कर सकता। हनुमान के सकुशल वापस पहुंच जाने पर सभी वानर बड़े आनंदित हुए। सब दौड़कर महेंद्र पर्वत के ऊपर हनुमान से मिले और उनका स्वागत करने पहुंचे। एकाएक प्रश्नों की झड़ी लगा दी कि लंका में क्या क्या हुआ, तुम्हें देवी सीता कैसे मिली, रावण उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करता है। हनुमान ने सीता जी का ध्यान कर और मन ही मन नमस्कार कर सारा अनुभव सुनाना शुरू किया। उठो हनुमान, लंका जाकर तुमने जो पराक्रम दिखाया है उसके लिए हम सब तुम्हारे आभारी हैं। प्रभु, मैं किसी योग्य नहीं हूं, ये सब आप ही का तो प्रताप है। सीता कैसी है हनुमान, क्या वो मुझे स्मरण करती हैं? वे तो जीवित ही केवल आपके नाम के सहारे हैं। प्रभु, मैं माता को सांत्वना देकर आया हूँ और ये विश्वास दिलाकर आया हूँ कि प्रभु श्री राम शीघ्र अति शीघ्र लंका पर चढ़ाई करेंगे, रावण का विनाश कर आपको यहाँ से ले जाएंगे। हनुमान, तुमने जो सीता को विश्वास दिलाया है उसे हमें यथार्थ का रूप देना है। अब हम नहीं रुकेंगे हनुमान, नहीं रुकेंगे। सीते, हम आ रहे हैं हम सीते। हे रघुनंदन, कुछ राक्षस आकाश मार्ग से आए हैं और उनमें से एक स्वयं को रावण का भाई बतलाता है। उनका कहना है कि रावण के द्वारा अपमानित होने के कारण वह सर्वस्व त्याग कर आपकी शरण में आए हैं। मित्र, तुम्हारी समझ से क्या करना चाहिए?
हे प्रभु, ये राक्षस कुल के हैं और अपनी माया से छल करके ये अवश्य ही हमारा भेज जाना चाहते होंगे। कदाचित इसीलिए वे यहाँ आए हैं। हमें उन्हें बंदी बना लेना चाहिए। मैं भी महाराज सुग्रीव से सहमत हूँ प्रभु। हनुमान, तुम्हारी क्या राय है? प्रभु, मुझ में इतनी समझ कहाँ है जो मैं कुछ कहूँ। परंतु आपकी आज्ञा है तो आपके स्वभाव को जैसा जानता हूँ वैसा कहता हूँ। आपका तो प्रण ही है कि आप सदा शरणागतों को शरण देते हैं, जो एक बार भी सच्चे या फिर झूठे ही मन से कह दे कि आज से वो आपका है तो आप उसे कभी नहीं छोड़ते। फिर ये तो विभीषण है जो लंका में धर्मात्मा समान है। नहीं महाराज, मैं हनुमान से सहमत नहीं। वह अंततः राक्षस ही तो है ना? नहीं मित्र, चाहे काल जैसा भी हो, जो भी अपनी शरण में आए जीव को अपना हित अनहित समझकर त्यागता है वह घोर पापी जीव है। फिर मेरा तो प्रण है शरणागत की रक्षा करना, चाहे कोई करोड़ ब्रह्म हत्या के पाप से विभूषित हो, फिर भी यदि वह मेरे पास आता है तो मैं उसे अपनाता हूं। मैं उसी रावण का भाई हूं जिसने छल से जनक नंदिनी का हरण किया, रात्रि समान असुर कुल में जन्मा, तामस थे और पापी मन को साथ लेकर मैं आपकी शरण में आया हूं। अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है संसार में। दया कीजिए प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। नहीं लंकेश, आपका स्थान यहां है, ऊपर बैठिए। हम आपका स्वभाव जानते हैं और धर्म को धारण करने वाले आप यही शोभा पाते हैं। वहां असुरों की नगरी में नहीं, चाहे संसार का द्रोह करने वाला मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे अपना लेता हूं। और आपने तो अपने परिवार, कुल, सगे संबंधियों आदि सबको त्याग कर अपना संबंध मुझसे बांधा है। आप सदा के लिए मेरे हृदय में बस गए हैं। मैं आपके लिए क्या करूं बताइए। हे प्रभु, आपने हर्षित होकर मुझे हृदय में स्थान दे दिया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो कुछ वासना थी वह सभी नष्ट हो गई। प्रभु, अब तो केवल एक ही इच्छा है कि आप अपनी अनपायनी भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। हे मित्र, ऐसा ही हो। मैं आपके भाव को जानता हूं, परंतु मेरा दर्शन अमोघ है। आज से आप लंकेश हुए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लंकापति विभीषण महाराज की जय। लंकापति विभीषण महाराज की जय। लंकापति विभीषण महाराज की जय। अब क्या था, प्रभु श्री राम के दृढ़ निश्चय को जानकर सभी उत्साहित हो उठे और बड़ी ही शीघ्रता के साथ मंत्रणा की गई कि किस प्रकार रावण की लंका पर कूच किया जाए। सभी वानर जोर जोर से चिल्लाते, गाते, गरजते, खेलते आगे बढ़ते चले जा रहे थे। आपस में प्रतिस्पर्धा की बातें करते थे कि रावण को तो मैं ही मारूंगा। दूसरा कहता कि नहीं, मैं मारूंगा। इस प्रकार चलते चलते वानर सेना समुद्र तट पर पहुंच गई। वहां श्री राम नाम के प्रताप से समुद्र पर सेतु बंधन किया गया। देखते ही देखते वानर सेना ने सुग्रीव के नेतृत्व में लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण को संदेश दिया कि उसका अंत निकट ही है। इससे चिंतित होकर
रावण ने अपने सबसे बलशाली पुत्र इंद्रजीत को युद्ध करने भेजा। इंद्रजीत मेघनाथ ने राम और लक्ष्मण पर अत्यंत विषैले नागबाण चलाए, जिससे राम और लक्ष्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े और देखते ही देखते वह नीले पड़ गए। मेघनाथ ने विचार किया कि वे विष के प्रभाव से नीले तो पड़ ही गए हैं और अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता, परंतु वह भूल गया था कि अधर्म की शक्ति धर्म को कभी पराजित नहीं कर सकती। युद्ध भूमि में जब राम और लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे, तभी पक्षीराज गरुड़ वहां आ पहुंचे। गरुड़ को आते देख राम लक्ष्मण के शरीर से चिपके सभी सर्प बाण एकदम लुप्त हो गए। गरुड़ के स्पर्श से दोनों राजकुमार एकदम स्वस्थ हो गए और युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ, इस बार और भी भयंकर। खून की नदियां बहने लगी, सभी और अंधकार सा छा गया। दोनों पक्षों के अनगिनत योद्धा मारे गए। अकंपन की असाधारण शूरता को देखकर सब चकित हो गए। वानर हारने लगे, भाग निकलने वाले ही थे कि हनुमान वहां आ पहुंचे। घमासान युद्ध हुआ और इसके साथ ही अकंपन का अंत भी। मेघनाथ को समझ नहीं आ रहा था कि उसके नागपाश से राम लक्ष्मण बच कैसे गए। रावण के हृदय में भी यह आशंका थी कि वह विजयी होगा भी या नहीं। संभव यह नहीं हो सकता। नागपाश से छूटना कोई सरल कार्य नहीं। पुत्र मेघनाद, बहुत हो चुका ये खेल। कल सूर्योदय होते ही मैं इस युद्ध को समाप्त कर दूंगा। नहीं पिताश्री, पुत्र के रहते हुए आपको युद्ध भूमि में जाने की आवश्यकता नहीं। मैंने तो अभी अपनी शक्ति के एक भाग का ही प्रयोग किया है। मुझे आपके चरणों की सौगंध, मेघनाद कल के युद्ध का चित्र ही बदल देगा। जाओ पुत्र, जाओ, मुझे पता कर लहरा कर ही लौटना। अरे बात पता श्री। मेघनाद, तुमने बहुत पीड़ा दे दी, किंतु अब नहीं। तुम कुछ नहीं कर सकते लक्ष्मण। यदि प्राण की रक्षा चाहते हो तो भाग जाओ, अन्यथा। सावधान लक्ष्मण, मेरे इस शक्ति बाढ़ से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मेघनाथ के ब्रह्मास्त्र के प्रहार से लक्ष्मण मूर्छित होकर धरती पर गिर गए। अब उनके बचने का एक ही उपाय था कि उनका उपचार वैद्य सुषेण से कराया जाए। हनुमान तुरंत ही वैद्य को लंका से ले आए और वैद्य के कहने पर उत्तर दिशा की ओर शीघ्रता से उड़ चले। यदि सूर्योदय से पहले हनुमान संजीवनी बूटी लेकर नहीं लौटा तो लक्ष्मण के प्राण नहीं बचेंगे। नहीं नहीं वैद्य जी, किसी भी तरह आप लक्ष्मण को ठीक कर दीजिए। लक्ष्मण, मेरे भाई लक्ष्मण। धैर्य रखिए प्रभु, हनुमान शीघ्र ही लौटता होगा।
कहाँ है मेघनाथ? कहाँ है लक्ष्मण? अब सब कुछ ठीक है मेरे भाई, अब सब कुछ ठीक है। वैद्य जी ने तुम्हें जीवन दान दिया है। धन्यवाद वैद्य जी। धन्यवाद तो संकट मोचन हनुमान का कीजिए, जिन्होंने समय रहते संजीवनी बूटी ला कर दी। ये सब कुछ प्रभु श्री राम की कृपा है भैया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लक्ष्मण के स्वस्थ होने के बाद उन्होंने जो शौर्य दिखाया वह अतुलनीय था। अनगिनत राक्षस मारे गए। इधर मेघनाथ अपनी शक्ति को और बढ़ाने के लिए एक राक्षसी यज्ञ करने लगा। विभीषण ने लक्ष्मण से कहा कि यदि मेघनाथ यज्ञ में सफल हो गया तो उसे जीतना असंभव हो जाएगा। ओम एम रीम क्रीम चामुंडाय विच्चे। 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 ओम एम रीम। किसने मेरी साधना में विघ्न डाला, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तेरा काल आया है मेघनाथ, तेरा काल आया है। बार बार मेरे हाथों से बच जाते हो लक्ष्मण, किंतु आज आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसका निर्णय अभी हो जाएगा। सावधान, सावधान लक्ष्मण। राक्षसों ने रावण को समाचार दिया कि विभीषण की सहायता से लक्ष्मण ने इंद्रजीत को मार डाला। रावण की देह में तो जैसे तीक्ष्ण अग्नि फैल गई हो। पुत्र शोक में वह पागल सा हो गया। पुत्र की मृत्यु के बाद रावण के हृदय में शोक, अपमान, क्रोध आदि आवेगों ने भयंकर रूप ले लिया था। उसकी अब एकमात्र इच्छा थी कि वह किसी भी तरह राम को मारकर उसकी सेना को कुचल दे। लक्ष्मण, राम भैया, भैया अभी भी समय है, प्रभु श्री राम की शरण में आ जाइए। चल हट, तू रोजा कुल खाते मेरी आंखों के सामने से, तू रोजा। आपके हट के कारण भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ की मृत्यु हो। मृत्यु का कारण मैं नहीं, तू है। तेरी ही मंत्रणा से उनकी मृत्यु हुई है। घर का भेदी है, भेदी।
अब मेरे हाथों से तेरी भी मृत्यु निश्चित है विभीषण। क्यों इस प्रकार की व्यर्थ बातें कर रहे हो रावण? बहुत तेज कर दिया ने मैं राम, यदि पहले आता तो अब तक जीवित न रहता। सावधान रावण, मरने के लिए तैयार हो जाओ। है विभीषण जी, मेरे अनेक अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से भी रावण मर नहीं रहा। प्रभु, इसकी नाभि में अमृत है, जब तक इसे सुखाया नहीं जाएगा तब तक रावण का मरना असंभव है। इसी हेतु आप नाभि में अग्नि बाण का प्रयोग कीजिए। किस सोच में पड़ गया राम? मैं रावण हूँ, सावधान रावण, अब तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। युद्ध समाप्त हुआ। रामचंद्र के आदेश से विभीषण को लंका का राजा घोषित किया गया और इस प्रकार देवी सीता, जिनका वनवास के समय अकेली छोड़े जाने पर राक्षस द्वारा चोरी से अपहरण किया गया था, श्री राम को फिर प्राप्त हुई। सीता, राम, लक्ष्मण, विभीषण और अन्य वानरों के साथ विमान में बैठकर अयोध्या की ओर चल पड़े। सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! राम राम जय सीता।